अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे किस तरह से हम डेटाबेस के अंदर अपडेशन और डिलीशन कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर दो लेक्चर्स के अंदर देखा था कि किस तरह से हम डेटाबेस के अंदर से डेटा को फैच करवा सकते हैं और डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो अगला आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से डेटा को अपडेट करेंगे। तो हमने जो सिलेक्ट वाला काम किया था, सिलेक्ट के अंदर हमने डेटा सिलेक्ट करवाया था, लेकिन वो जो डेटा हमने सिलेक्ट करवाया था वो हमने किसी फॉर्मेट में सिलेक्ट नहीं करवाया था, रेस्पॉन्स डॉट राइट में प्रिंट करवाया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से एक फॉर्म बनाऊँगा जहाँ पर हम डेटा को शो करेंगे और एक बटन बनाएंगे एडिट का, जिसकी मदद से हम दूसरे फॉर्म के ऊपर वो डेटा फैच करवाएंगे और देन वो डेटा को अपडेट करवाएंगे। तो हम यहाँ पर आते हैं वेब फॉर्म पे और यहाँ पर आके बताते हैं शो डेटा का एक बनाते हैं पेज। और सबसे पहले जल्दी से यहाँ पर आके मैं आपको पहले ही ASP.NET टेबल बनाना सिखा चुका हूँ विद द हेल्प ऑफ कोड। तो हम आज उसको ही यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर। और आपको पता है कि हमारे टेबल के अंदर तीन फील्ड्स हैं, तो मैं जल्दी से यहाँ पर आकर इसकी हेडर फील्ड्स को डिफाइन कर देता हूँ। हेडर रो, तो हेडर रो के अंदर हमारे पास यहाँ पर है टेबल हेडर सेल्स। हमें तीन सेल्स चाहिए, ठीक है, तो हम बल्कि हमें चार सेल्स चाहिए। एक के अंदर हम बटन को भी शो करवाएंगे। तो यहाँ पर आके हम अपनी चार जो हमारी रो हैं जो है वो हम यहाँ पर कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पर आके वो चार रोज जो हैं वो डिफाइन कर देते हैं जो कि हमारी हेडर सेल होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले में हम आईडी प्रिंट करवाएंगे, सेकंड में हम नेम को प्रिंट करवाएंगे, थर्ड में हमारे पास सिटी होगी और लास्टली हमारे पास हम इसको नाम दे देते हैं एज ऑप्शंस। अब यहाँ पर आकर मैं इस क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर कंटेंट कि फोल्डर से बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस को इंक्लूड करवा लेता हूँ, तो हम यहाँ पर टेबल पे जो है वो क्लासेस लगा सकेंगे। तो यहाँ पर आके मैं इस पे देता हूँ आपके पास एड डेटा शो डेटा, ओके, शो डेटा। देन शो डेटा करने के बाद अब यहाँ पर आते हैं, शो डेटा करने के बाद यहाँ पर आते हैं और टेबल के ऊपर स्टाइल्स अलाउ करते हैं CSS, CSS क्लास टेबल एंड टेबल बॉर्डर, ठीक है। तो हमने टेबल बना लिया है एक और इस टेबल पे हम डेटा शो करवाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट W दबाते हैं और रिजल्ट में जाके देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का रिजल्ट ये शो करेगा। कंट्रोल शिफ्ट W, तो हमारे पास लोड हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक बूटस्ट्रैप का जो हमारे पास टेबल है वो जनरेट हो गया, इस पर फॉर्मेटिंग आ गई है। अब इसमें हम अपना डेटा जो है वो डेटाबेस से फैच करवा के शो करवाएंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर एक H4 हेडिंग दे देता हूँ जिसके अंदर मैं शो करवा देता हूँ स्टूडेंट्स। कंट्रोल Z, स्टूडेंट्स टेबल डेटा। तो यहाँ पर हमने ये शो करवा दिया है और यहाँ पर आके चार और तो पता है चार और ठीक है, चार देने के बाद और आपको ये भी पता है, ठीक है, ओके डन है। अब आते हैं हम अपने बैकएंड के कोड पे और हम पेज लोड इवेंट पे बेसिकली ये डेटा अपने जो पेज है उसके अंदर शो करवा रहे होंगे। तो मैं व्यू कोड में जाता हूँ और व्यू कोड में सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो नेम स्पेसेस को इंक्लूड कराते हैं यूजिंग यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। देन हमारे पास यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन
प्रोपेगेशन, देन यहाँ पर आकर हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर आकर हम स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पर हमने dbcs को कॉल किया। dbcs कॉल करने के बाद यहाँ पर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग स्पेसिफाई करके कनेक्शन स्ट्रिंग बना ली, और यहाँ पर आके हम लिखते हैं अपना sql कनेक्शन, कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल एंटर, कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू न्यू sql कनेक्शन, और यहाँ पर हम अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को पास कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर sql कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू sql कमांड, और यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, कमांड पास करते हैं cmd डॉट कमांड टेक्स्ट, कमांड टेक्स्ट में हमने कमांड पास कर दी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, डन। यहाँ पर आकर उसके बाद स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट के बाद हम यहाँ पर आके cmd डॉट कनेक्शन पास कर दें, कनेक्शन इक्वल्स टू कौन, वो करने के बाद यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं, कनेक्शन को ओपन करते हैं। तो कनेक्शन को ओपन किया हमने, कनेक्शन को ओपन करने के बाद हम एसक्यूएल डेटा रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आर डी इक्वल्स टू सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी, नन क्यूरी करने के बाद यहाँ पर आकर हम वाइल डेटा, और अच्छा नन क्यूरी हमने देखा था, नन क्यूरी का जो हमारे पास मेथड था वो हमारे पास इंसर्ट में यूज़ होता था, तो यहाँ पर हम रीडर को यूज़ करेंगे, एग्जीक्यूट रीडर, क्योंकि हम डेटा रीड करवा रहे हैं तो यहाँ पर रीडर को यूज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे पास मेथड होता है वाइल आर डी डॉट रीड, जब तक आर डी में डेटा है वो डेटा हमारे पास फैच करवा। अब ये जो डेटा हमारे पास फैच होगा ये हम करवाना चाहते हैं, रो बनाना चाहते हैं टेबल की, और उसके अंदर ही ये डेटा हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो कैसे, हमने देखा था कि टेबल रो की मदद से हम एक टेबल रो बना सकते हैं, ठीक है, टी आर टेबल रो हमारे पास डिक्लेयर हो चुकी है, न्यू टेबल रो, देन एक रो चाहिए, उसके अंदर हमें चार टेबल सेल चाहिए, तो मैं यहाँ से टेबल सेल के ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ। यहाँ पर टी डी इक्वल्स टू न्यू टेबल सेल, और इसका नाम लेट सपोज हम यहाँ पर आईडी दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास पहला टेबल सेल जो है इसका नाम क्या है, आईडी रखा हुआ है हमने। तो यहाँ से टेबल सेल कॉपी पेस्ट, क्योंकि हमारे पास सिक्स रोज में डेटा है, सिक्स डेटा मौजूद है जो हमने ऑलरेडी देखे थे लास्ट लेक्चर में, इस वजह से ये जो हमारे पास ये जो मैं टेबल सेल और टेबल रो क्रिएट कर रहा हूँ ये मैं लूप में क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि जब भी हमारे पास नया डेटा आएगा एक रो बनेगी और उसके अंदर चार सेल डिक्लेयर हो जाएंगे। सेकेंड हमारे पास नेम, थर्ड हमारे पास सिटी, और लास्ट को नाम दे देते हैं ओपीटी। अब इनको वन बाय वन वैल्यूज़ पास करवाते हैं। तो आई डी डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू आर डी ज़ीरो डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि आर डी हमारे पास जो है ज़ीरो पे हमारे पास आई डी है, और आई डी हमारे पास इंटीजर में है, तो उसको हम टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू आर डी वन, ठीक है, देन हमारे पास टू स्ट्रिंग। सिमिलरली हमारे पास सिटी डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू आर डी ज़ीरो और आर डी टू डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम क्या कर बनाएंगे, बटन बनाना चाहते हैं, तो हमें अगर बटन बनाना है तो बटन बनाने के लिए हम हाइपरलिंक को भी यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर सीएसएस की क्लासेस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ओपीटी डॉट टेक्स्ट के अंदर एक एडिट का बटन दबाएंगे, जिसकी मदद से हम डेटा इंसर्ट डेटा जो है वो अपडेट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टैग क्रिएट करता हूँ, हाइपर रेफरेंस इक्वल्स टू, अभी यहाँ पर मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा, और इसके पास हैश दे देता हूँ, और यहाँ पर आकर हम दे देते हैं इसकी क्लास, क्लास में हम पास कर देते हैं सपोज यहाँ पर आकर btn प्राइमरी, ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं इसको डिस्क्लोज कर देता हूँ रेफरेंस की टैग को, और यहाँ पर पास कर देते हैं एडिट,
और यहाँ पर ये हमने पास कर दिया, तो ये जो डेटा है वो हमारे पास टेबल में शो हो जाएगा, लेकिन ये हमें सेल्स जो हैं वो ऐड करवानी पड़ेगी रो में। जैसे कि हम लिखेंगे टी आर डॉट सेल्स डॉट ऐड, तो वन बाय वन ये सेल्स जो है हमें उसमें ऐड करवानी पड़ेगी। तो ये सेल्स कितनी बार ऐड होंगे, बस 4 बार ये हमें कोड लिखना पड़ेगा। 4 लाइन समय पर 4 सेल्स हैं, तो आईडी पहली आईडी है, देना हमारे पास नेम है, और उसके बाद सिटी है, देन हमारे पास लास्ट में जो है वो ओपीटी है। उसके बाद हमें ये रो जो हमने क्रिएट की है, ये रो हमें टेबल में, तो हमारे टेबल का नाम था table1.rows.add, ठीक है। और ये रो जो हमने tr के नाम से डिक्लेयर की थी वो यहाँ पर हमने पास कर दी। उसके बाद आकर हम अपने कनेक्शन को जो है वो क्लोज करवा देंगे, और यहाँ पर ये हमारा कोड जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने एक कोड लिखा है जिसकी मदद से अब डेटा जो है हमारे पास अगेन हमने फेच की है, ताकि फेच करवा के ही देन हम दूसरे पेज पे जाकर उस डेटा को इंसर्ट कर सकेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखेंगे तो हमारे पास ये डेटा जो है वो हमारे पास टेबल के अंदर शो हो रहा होगा। रन करते हैं, ठीक है, ये लोड हो रहा है आपके पास, लोड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा शो हो गया है, और ये टेबुलर फॉर्म में शो हो रहा है, और ये रेस्पॉन्सिव भी है हमारे पास, क्योंकि हमने इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगाई हुई हैं। अब हम क्या चाहते क्या है, हम ऐसी फंक्शनैलिटी चाहते हैं कि जब मैं एडिट के बटन पे क्लिक करूँ तो मैं एक पेज पे रिडायरेक्ट हूँ जो कि एडिट का पेज हो, और उस पर मैं ये जो फील्ड्स हैं इनको एडिट कर सकूँ और अपने डेटा को अपडेट कर सकूँ। तो अब क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था, जो हमने इंसर्ट का बनाया था, इंसर्ट डीबी हमारा इंसर्ट इंसर्ट का पेज था, आई थिंक इंसर्ट, हम चेक कर लेते हैं किस नाम से पेज था। हमने वेब फॉर्म बनाया था यहाँ पर इंसर्ट डेटा के नाम से, तो मैं इंसर्ट डेटा को यहाँ पर कॉल करवाता हूँ, और एक जो है वो हमारे पास जैसे कि नाम गलत पास करके उसको अपडेट करवाना चाहता हूँ। तो फिर हम किस तरह से उस डेटा को यहाँ से इसको एडिट कर सकेंगे, तो एडिट करने के लिए एक तो आपको पेज रिक्वायर्ड होगा, दूसरा हम जो यूज़ करेंगे वो गेट मेथड की मदद से इसको यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हाइपर रेफरेंस में हम पाथ देंगे एडिट डॉट ए एस पी एक्स, ठीक है, एडिट डॉट ए एस पी एक्स के पेज पे हमें ट्रांसफ़र करना है। देन हम यहाँ पर क्यूरी स्ट्रिंग बनाएंगे। क्यूरी स्ट्रिंग क्या होती है, जो हमारे पास यूआरएल में गेट होती है, जब हम गेट मेथड को यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्म डेटा होता है वो हमारे पास यूआरएल में शो हो रहा होता है। तो यहाँ पर हम एक क्यूरी स्ट्रिंग जनरेट करेंगे, और उस क्यूरी स्ट्रिंग में हम बेसिकली जिस डेटा को इंसर्ट कराना चाह जिस डेटा को अपडेट करना चाहता है उसकी आईडी पास कर देंगे। इस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे आईडी इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमें आरडी की वैल्यू पास करनी है, तो हम यहाँ पे प्लस और प्लस के साथ यहाँ पर डॉट, प्लस के साथ यहाँ पर बल्कि यहाँ पर हम दे देते हैं प्लस के अंदर हम वैल्यू पास कर देंगे आरडी डॉट 0। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एडिट इसको भेजा है एडिट के पेज पे, और यहाँ पर एक क्यूरी स्ट्रिंग क्रिएट की है जो कि हमें जिस डेटा पे हम मौजूद होंगे उसकी आईडी साथ में एडिट के पेज पे ट्रांसफ़र कर रहा होगा। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप यहाँ पर एडिट के बटन पे हम क्लिक करते हैं, अच्छा, तो ये आपने देखा कि हम इसको कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू दबा के एग्जीक्यूट करवाते हैं इस प्रोग्राम को, देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का रिजल्ट आ रहा है, और अभी हमने कितना काम कर लिया है यहाँ पर। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू दबा दिया है, ये पेज हमारे पास लोड हो रहा है, और अब देखते हैं कि जब हम एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कैसा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर जब हम एडिट के बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो आप यही देखें यहाँ पर हम एडिट के पेज पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और यहाँ पर हमने जिस डेटा को सिलेक्ट किया है उसी की डेटा की जो आईडी है वो हमें यहाँ पर पास हो रही है। अब हम सेकंड काम क्या करेंगे, जो हमने डेटा का काम हमने बेसिकली जो लास्ट क्लास में भी किया था
अब हम आईडी के बिहाफ पर वियर क्यूरी लगा के डेटा को फेच करवा के पहले से टेक्स्ट बॉक्सेस में शो करवाएंगे, और टेक्स्ट बॉक्सेस में शो करवाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उस डेटा को अगर अपडेट भी का अपडेट की क्यूरी लगा के बटन के ऊपर अपडेट करवा देंगे। तो हम यहाँ से एक नया फॉर्म बनाते हैं यहाँ पर जाके, और उसका नाम रखते हैं एडिट, ठीक है। तो इधर हमारे पास वो डेटा फैच होकर आ रहा होगा। अब यहाँ पर करते क्या हैं कि यहाँ पर हम दो फील्ड्स बना लेते हैं, एक नेम की फील्ड बनाते हैं और एक सिटी की, क्योंकि आईडी की जो फील्ड होगी उसको हम अपडेट नहीं करवाएंगे क्योंकि वो हमारे पास प्राइमरी की है। तो मैं यहाँ पर आकर जल्दी से दो टेक्स्ट बॉक्सेस बना लेता हूँ, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स एंड ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर मैं बीआर का टैग लगा देता हूँ और यहाँ पर भी बीआर का टैग लगा देता हूँ, और यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं जिसकी मदद से हम डेटा अपडेट करवाएंगे। अपडेट तो हम बटन यहाँ से बटन लेते हैं एसपी का, ये हमने बटन ले लिया। बटन लेने के बाद अब इनकी वैल्यूज़ को, इनके आईडीज़ हैं उनको चेक कर लेते हैं, जीएसटी नेम, और इसको हम दे देते हैं टीएक्सटी सिटी, और इसका नाम हम दे देते हैं btn अपडेट, और यहाँ पर इसके टेक्स्ट में भी हम अपडेट पास कर देते हैं, ठीक है। अच्छा तो अब हम आते हैं पेज लोड अपना व्यू कोड की तरफ, और देखते हैं कि किस तरह से हम एडिट की कोडिंग करेंगे। तो एडिट के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने रिक्वेस्ट डॉट मतलब URL के अंदर अपना जो है आईडी पास किया है, तो अब उस आईडी की मदद से हम पेज इनिट के मेथड के अंदर क्या करवाएंगे, बेसिकली पेज इनिट के मेथड के अंदर वो डेटा को टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर लोड करवाएंगे। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे पास होता ये है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास अपडेशन नहीं हो पाएगी। अपडेशन इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि पेज इनिट का जो मेथड है वो बेसिकली पेज लोड इवेंट से बार से पहले फायर हो जाता है। तो अगर हमारे पास पोस्ट बैक रिक्वेस्ट आती है, पोस्ट बैक रिक्वेस्ट जस्ट लाइक आपने बटन पे क्लिक किया तो आपके पास पोस्ट बैक रिक्वेस्ट जनरेट होती है, तो पोस्ट बैक रिक्वेस्ट के जनरेशन पे क्या होगा, पेज लोड अगेन चल जाएगा और हमारे पास हमारे जो कंट्रोल्स हैं वो पुरानी वाली वैल्यूज़ को हमारे पास रिटर्न कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास डेटा जो है वो हमारे पास अपडेट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम जो फैचिंग करवा रहे हैं यानी कंट्रोल्स के अंदर जो डेटा फैच करवा रहे हैं वो हम पेज इनिट के मेथड के अंदर करवा रहे हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपके पास इफ इट्स पोस्ट बैक की प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से इस पोस्ट बैक की प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर ये पोस्ट बैक रिक्वेस्ट है, यानी आपके पास पोस्ट बैक रिक्वेस्ट वो होती है, वो रिक्वेस्ट होती है जो किसी इवेंट के इवेंट फायर अप होने के बाद आपके पास जनरेट होती है, तो आप उस पर भी चेक करवा के इस चीज़ को रोक सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, हम पेज इनिट वाली अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, यानी जो हम फेचिंग करवा लेंगे वो पेज इनिट में करवा लेंगे। अब वो किस तरह से हम करेंगे, तो हम इस तरह से करते हैं कि हम यहाँ पर पहले वही हम जिस तरह से फेच करवाते हैं डेटा, लाइक यूजिंग सिस्टम डॉट एस कैपिटल करते हैं, एस सिस्टम डॉट डेटा डॉट क्लाइंट यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा और यूजिंग सिस्टम डॉट डॉट कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आके हम अपने सी एस का वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स DBCS हमारे कनेक्शन का नाम है, तो यहाँ पर हमने DBCS की मदद से उसको गेट कर लिया। देन हम वही हम SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, SQL कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू SQL कनेक्शन और इसमें CS का वेरिएबल पास कर देंगे। देन हम SQL कमांड लिखेंगे,
कमांड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड कमांड, और यहाँ पर आकर हम सी एम डी डॉट कमांड टेक्स्ट यहाँ पर अपनी कमांड लिखेंगे। अब कमांड थोड़ी हमारी चेंज होगी वो उसको अभी हम लिखते हैं। सी एम डी डॉट कनेक्शन इक्वल्स टू कॉन, देन कनेक्शन को ओपन करवा देते हैं जैसा हम करते हैं। कनेक्शन ओपन किया हमने और यहाँ पर आकर अब हम क्वेरी लिखते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू एट द रेट आईडी, एक पैरामीटराइज क्यूरी जनरेट करिए जिसके अंदर हम वो डेटा फेच कराएंगे जो हमें क्यूरी स्ट्रिंग से मिलेगा। और यहाँ पर आके डी बी सी एस में हम जाकर अपने कनेक्शन के अंदर ये देखते हैं कि हमने कौन सा टेबल बनाया हुआ है और उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये थोड़ा सा कभी कभार आपके लोडिंग करता है, तो ये लोड कर चुका है। मैं यहाँ पर टेबल पर राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर टेबल शो हो जाएगा। तो हमारे पास टेबल का नाम जो है वो स्टूडेंट है और उसकी आईडी है, हमारे पास उसकी जो फील्ड है वो आईडी है। तो यहाँ पर आके उसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो हम यहाँ पर कनेक्शन ओपन करने के बाद सी एम डी पैरामीटर्स डॉट एड विथ वैल्यू यहाँ पर आकर लिख देते हैं। हमारा कनेक्शन हमारा जो वेरिएबल है वो है आईडी का कॉमा, इसको वैल्यू मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग। अब ये क्यूरी स्ट्रिंग वो वेरिएबल जो है जो हमने वहाँ पर जनरेट किया था। तो हम यहाँ पर आते हैं शो डेटा में, और अगर मैं शो डेटा में आपको यहाँ पर दिखाऊँ, जैसे हमने राइट क्लिक करते हैं और व्यू कोड में जाते हैं, तो यहाँ पर आकर मैंने अगर यहाँ पर आप देखें तो वेरिएबल जो पास किया है क्यूरी अपना यूआरएल में वो आईडी के नाम से पास किया है। तो अब इसकी मदद से ही हम यहाँ पर इसको गेट करवाएंगे। तो यहाँ पर हम इसकी यानी यहाँ पर जब हमें क्यूरी स्ट्रिंग में वैल्यू मिले तो हमारे पास क्या करो, हमारे पास एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट बना दिया जाए आरडी सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट रीडर। देन हमारे पास अब क्या होना चाहिए, हमने जो इस पेज के ऊपर ये टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए नेम और सिटी का, इसके अंदर इनकी वैल्यूज उस आईडी में जो मौजूद हैं वो डेटा हम ऑलरेडी फेच करा रहे हैं। किस तरह से हम लिखेंगे, वाइल हम वाइल यूज़ करते हैं आरडी डॉट रीड, ठीक है। और इसके अंदर आकर हम बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू आरडी आरडी वन पर, क्योंकि हमारे पास जीरो पे आईडी मौजूद है, आईडी हम फेच नहीं करवा रहे क्योंकि वो चेंज नहीं करेंगे। टी एक्स टी सिटी डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू आर डी ऑफ टू डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमने वो वैल्यू फेच करवा दी। और यहाँ पर आके हम अपने कनेक्शन को जो है वो क्लोज करवा देते हैं। तो ये हमारा कनेक्शन जो है वो यहाँ पर क्लोज हो चुका है। तो इसको हम यहाँ पर सेव करते हैं, शो डेटा पे जाते हैं, और शो डेटा से फिर हम एडिट के पेज पर आते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो हमने डेटा शो करवाया वो हमारे पास शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू दबाया है और जिसकी वजह से हमारे पास ये प्रोग्राम बिल्ड होगा और अगेन हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। लोड हो रहा है हमारे पास, ठीक है। शो डेटा का टेबल हम शो डेटा का जो पेज है उसको शो करवा रहे हैं यहाँ पर शो डेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा शो हो रहा है। मैं यहाँ पर फिफ्थ वाले का डेटा जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ मैं सेवन्थ वाले को चेंज कर लेता हूँ कि इसका नाम जो है वो सही नहीं है। तो मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, ये एडिट के पेज पर आ गए हम। जैसे ही मैं एडिट के पेज पर आया हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नेम के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मेरे पास जो वैल्यू है वो एक्स वाई जी गेट हो गई है, और सिटी में हमारे पास जो है वो हैदराबाद गेट हो गया। अब हमें इस अपडेट बटन पर काम करना है, और अपडेट बटन पर काम करते हुए हमें अपडेट की क्यूरी जो है वो लिखनी है। अब वो किस तरह से लिखेंगे कि हम यहाँ पर एडिट के पेज में जाएंगे और अपने बटन के ऊपर जो है वो उसका क्लिक इवेंट जो है वो जनरेट करवाएंगे। ऑन क्लिक इक्वल्स टू न्यू क्रिएट इवेंट, और यहाँ पर हम यू कोड में जाते हैं और ये हमारे पास जो है इवेंट जो है जनरेट हो चुका है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास अगर बटन पर क्लिक हो तो SQL कनेक्शन बने, अगेन कनेक्शन वन नाम दे देते हैं इसको, कॉन वन इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन CS, और यहाँ पर SQL कमांड CMD
इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, यहाँ पर आके हम लिखते हैं cmd डॉट कमांड टेक्स्ट, यहाँ पे हम अपनी कमांड लिखेंगे और यहाँ पर आके cmd.connection में हम क्या करते हैं, कनेक्शन में हम कनेक्शन का वेरिएबल पास कर देते हैं con1, देन यहाँ पर आके कनेक्शन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर बेसिकली इस तरह से करवा देंगे और यहाँ पर आकर अब आपको ये याद रखना है कि जब भी आप इंसर्ट अपडेट डिलीट करवाएंगे तो आपके पास जो मेथड यूज़ होगा वो एग्जीक्यूट नन क्यूरी का मेथड यूज़ होगा, और जब हम डेटा फेच करवा रहे होते हैं तो हम एसक्यूएल डेटा रीडर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक इंटीजर वेरिएबल बना सकते हैं या फिर हम इफ़ की कंडीशन के अंदर ये चेक कर सकते हैं cmd.executeNonQuery, ठीक है। अगर cmd, और इसको मैं आकर यहाँ पर cmd बंद कर देता हूँ, और अब यहाँ पर आके हम कह देते हैं कि cmd1.executeNonQuery>0, इट मीन्स हमारे पास क्या है, डेटा अपडेट हो गया है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम इसको response.redirect की मदद से हम शो डेटा के पेज पर रिटर्न करवा देंगे, तो शो डेटा डॉट ए एस पी एक्स, तो हम इसको वहाँ भेज देंगे, वरना एल्स के अंदर हम ऐसा कर लेते हैं कि हम response.write के अंदर जाकर लिख देते हैं डेटा नॉट अपडेटेड, ठीक है। तो अगर हमारे पास डेटा अपडेट हो जाएगा तो ये हमें शो डेटा के पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे पास एक एरर डिस्प्ले हो जाएगा डेटा नॉट अपडेटेड का। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, क्यूरी लिखते हैं, तो हमारे पास अपडेट टेबल का नाम हमारे पास है स्टूडेंट सेट, सेट का कीवर्ड यूज़ होता है, उसके बाद जैसे नेम, नेम इक्वल्स टू एट द रेट नेम, और हम एट नेम इक्वल्स टू, हमारे पास दूसरी फील्ड जो है वो है हमारे पास सिटी, तो सिटी इक्वल्स टू एट द रेट सिटी, यानी ये दो वैल्यूज़ हमें पास करनी है। अब देखिए हमारे पास हो सकता है कि कभी वो नेम की वैल्यू को सेट करे, हो सकता है कभी वो सिटी की वैल्यू को सेट करे, हो सकता है वो एक साथ दोनों भी करें, तो इसलिए हम एक एक सब वैल्यूज़ को गेट करेंगे और सबको अपडेट क्यूरी में पास करवाएंगे, और यहाँ पर हम ये बताएंगे कि कौन सी आईडी के अगेंस्ट में हम जो है वो डेटा को अपडेट करना चाहते हैं, तो वेयर आईडी इक्वल्स टू एट द रेट आईडी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आकर हम अपने cmd.parameters.addWithValue, यहाँ पर हमारा पहला जो पैरामीटर है वो है @name, txt name.txt। सिमिलरली मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर जाकर सेकंड पैरामीटर मेरे पास था सिटी, तो यहाँ पर txt हम सिटी कर देते हैं, और जिस तरह से आपको पता है तीसरा पैरामीटर आईडी है, और आईडी की वैल्यू हमें रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग से मिल रही है, तो यहाँ पर भी हम रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग की मदद से उसकी वैल्यू को फेच करवाएंगे। तो आईडी हमने क्यूरी स्ट्रिंग में पास की थी, तो ये हमने यहाँ पर अपडेट की क्यूरी भी लिख ली है। तो हमने क्या लिखा है, हमने कमांड बनाई है, कमांड में लिखा है अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू नेम कॉमा सिटी इक्वल्स टू सिटी अपडेटेड वैल्यू वेयर आईडी इक्वल्स टू आईडी सीएमडी कनेक्शन con1 डॉट ओपन, और यहाँ पर आकर अगर हमारे पास डेटा फाइनली अपडेटेड हो जाता है तो हम उसको रेस्पॉन्स डॉट राइट करवा रहे हैं शो डेटा के पेज के ऊपर। इसको सेव करते हैं और शो डेटा के पेज को हम एग्जीक्यूट करते हैं अगेन, तो ये हमारे पास अगेन एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद हम इसको एडिट के पेज पे लेके जाएंगे और डेटा को एडिट करवाएंगे। तो ये हमारे पास डेटा की लिस्ट आ चुकी है जिस तरह से हमने फेच करवाई थी शुरू में। तो यहाँ पर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ और मैं इस एक्स वाई जी को कर देता हूँ उमर, ठीक है, और यहाँ पर आके अपडेट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स वाई जी चेंज होकर हमारे पास क्या हो गया है, उसकी वैल्यू उमर हो चुकी है। इट मीन्स कि हमारा डेटा जो है वो अपडेट हो चुका है।
और अगर मैं किसी और डेटा को, जैसे इधर भी हमारे पास उमर आ रहा है, तो मैं इसको अपडेट करवा के बोलता हूँ लेट्स सपोज शुएब शुएब, और यहाँ पर सेव करवा, अपडेट पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो डेटा चेंज हो गया और शुएब यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अब इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आप अपने टेबल के अंदर आकर डेटाबेस जहाँ पर आपने बनाई हुई है, शो टेबल डेटा के अंदर आके इसको चेक करवा सकते हैं, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं। मैंने राइट क्लिक किया है टेबल के ऊपर और यहाँ पर हमने शो टेबल डेटा पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 6 ID पे शुएब पास किया था, तो हमारे पास शुएब अपडेट हो गया है। और लास्ट में हमारे पास 7 पे हमारे पास XYZ मौजूद था, तो अब हमारे पास वहाँ पर जो वैल्यू है वो उमर हो चुकी है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डिफ़िकल्टी है या आपके कोई भी सवाल आते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।